हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। ये देखिए मैंने क्या मंगवाया है अमेजोन से, चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया। मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया है। ये मैंने छोटी सी कैंची ले ली है, अभी मैं इसके टेप को कट कर लेती हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ, दिखाती हूँ इसमें मैंने मेरे हस्बैंड ने क्या मंगवाया है और कितना अच्छा है। आप लोगों को सभी को दिखा देती हूँ, इसमें है बता देती हूँ मैं आपको क्या है। काफ़ी अच्छा था। और ये देखिए डब्बा है इसके अंदर, और ये डब्बे में आया है। काफ़ी भारी था, हैवी था ये एकदम। इसमें इसका ये बिल है और कुछ तो और कुछ नहीं। इसको मैं इसको साइड में रख देती हूँ और मैं अपना इस बॉक्स को खोल लेती हूँ। आप देख, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना इसमें क्या है। जी हाँ, इसमें है एम्पलीफायर, जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने बिना बताए मुझे अपने आप मंगवा दिया और काफ़ी अच्छा था। मैंने कभी बजाती हूँ, चलिए देखते हैं कि इसकी सेफ्टी देखिए पहले कितनी अच्छे से पैकिंग कर रखी है सेफ्टी। ये फोम लगा रखा है चारों तरफ ताकि ये टूटे फूटे ना। ये इसका छोटा क्या बोलते हैं, रिमोट है, सेल है रिमोट के, और ये EFM की केबल है जो हमारा EFM रेडियो वाला होता है ना, जो रेडियो चलता है वो वाला है। ये दूसरी वाली है, मेरे को पता नहीं, मेरे हस्बैंड बता देंगे क्या किस किस में लगती है। और भी पड़ी और भी है, तीन चार तरह की इसमें वायर मिली थी, मेरे हस्बैंड बताएंगे इसमें कौन सी क्या वायर लगती है। ये रिमोट है, वो मेरे को बता रहे थे कि ये है। चलिए इसको निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए इसके नीचे एक और वायर, लीड वायर रखी हुई है, काफ़ी सारी लीड वायर आई हुई है। चलिए इस बबल रैप से निकाल लेती हूँ, इसके भी अंदर कुछ कार्ड वगैरह है। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अब इससे मैं गाने वाने बजा पाऊँगी और बजाती हूँ मैं। काफ़ी दिन हो गए मैं इसको वीडियो का रिकॉर्ड किए हुए, इसमें वॉइस ओवर नहीं किया था मैंने। तो देखिए कितना अच्छा है मेरा, अच्छा न्यू कितना अच्छा लग रहा है। काफ़ी खुश थी मैं इसे देख के क्योंकि मैं अब इसे अपनी मर्जी से गाने वाने बजा पाऊँगी, जो मन करेगा। इसमें ब्लूटूथ ऑन करके चला के इसमें ना ब्लूटूथ भी चला के बजा सकते हैं, EFM में भी चला सकते हैं और TV में भी चला सकते हैं, VCR में भी चला सकते हैं और किस में चला सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है। तभी ये वायर दी हुई है। और चिप वाला तो सभी एम्पलीफायर में आता है, जो चिप वगैरह लगते हैं, कॉरिडर लगता है, वो सब में आता है। चलिए मैं इस पॉलिथिन को भी कट कर लेती हूँ। ये इसकी बैक साइड है जहाँ पे पिन वगैरह लगती है ना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तरह की पिन लगती है इसके अंदर। और इसकी वायर इसको बांध रखी है। ये देखिए लाइक का, और ये सजेशन है कमेंटेड वाला कि अपना पता नहीं क्या क्या दे रखा है। चलिए हम अपनी वो चीज़ें देखेंगे जो हमारे लिए है, हम इसको बजा के भी देखेंगे। अगर मैं इसमें बजा के देखूंगी तो मेरा कॉपीराइट आ जाएगा, वैसे बहुत ज़्यादा आया हुआ है। 5 स्टार। चलिए देखिए मेरा एम्पलीफायर कितना अच्छा है और थोड़ा हैवी है। और इसकी प्राइस ओनली 2100 रुपये है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 2100 रुपये। नॉर्मली ये एम्पलीफायर आते हैं काफ़ी महंगे, लेकिन हमने छोटा सा ही मंगवाया था। ये भी काफ़ी कम से कम 5-6 किलो का था, ये कितना वेट था। अभी देखिए वायर है इसके अंदर, काफ़ी सारी वायर है। ये सेल है छोटे, मैं सोच रही थी इसको चलो अभी डाल देती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड ने डालने नहीं दिया। और ये इस रिमोट है, इस रिमोट में लगेगा। अभी ये EFM वायर है, इसमें EFM चला सकते हैं हम लोग। बिल्कुल छोटी सी है, छोटी सी तो नहीं है, एक साइड से फ़ोन में लगेगी और एक साइड से इसके अंदर लगेगी। और ये दूसरी में मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं क्या क्या काम करती है,
वो मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या किस किस में यूज होगी। तो तीन चार तरह की वायर थी इसमें, ये दो इसमें एम्पलीफायर में लगेंगी और एक ही शायद किसी फोन वोन में या फिर किसी और टीवी वगैरह में लगेगी। ये भी ऐसे ही हैं, पता नहीं लोकल है या फिर ओरिजिनल है, ये तो पता नहीं, यूज करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन पहले तो हम इसको ब्लूटूथ से चलाएंगे और ये देखिए वायर को भी अच्छे से ना